Welcome. You are watching Holy Tad on Templar Sunny. नमस्ते दर्शकों, आशा कर रहा हूँ कि आप अपना तबीयत का अच्छा ख्याल रख रहे हैं। तो आज हम खेलने वाले हैं मैं करीना, और मैं हिंदी में कमेंट्री करने वाला हूँ, और इंग्लिश में जो दिख कमेंट्री का ट्रांसलेशन होगा वो आपको दिख जाएगा। तो हमें एक चैलेंज दिया था कि आप 3 MVP करके दिखाइए ASN में करीना ने। ये NCS.JPS है गेम में, और बहुत अच्छा दोस्त है। तो हम फिर से 3 राउंड खेलने वाले हैं और कॉन्सेंट्रेट करने वाले 3 मैच के ऊपर। अब किल शॉट लेके एकदम बीच में आ गया मैं। अरे किल शॉट मेरे सामने आ गया, चलो अच्छा हुआ इसको मार दिया मैंने। एक पैंथर था तो इजी को मिली डैश से आसानी से मार सका। अरे ये किल स्टील हो गया, ये तो बॉम्ब से मर गया। ये लग रहा है एक एरीज है। किल शॉट वर्सेस किल शॉट बहुत मुश्किल है, इसलिए थोड़ा संभाल के खेलना पड़ता है। अच्छा हुआ कि स्प्लैश डैमेज से मर गया वो किल शॉट। यहाँ पर कोई गार्जियन दिख रहा है, अच्छा डैमेज किया और ये डाउन। अच्छा गेम है, इसमें काफ़ी ज़्यादा किल्स मिल रहे हैं किल शॉट को। तो ये एक बड़ा सा हाइडिंग प्लेस है इस मैप में, ये बीच में। अगर यहाँ पर आप किल शॉट घुमाते रहो या फिर ज़ेफायर यूज़ करते रहो तो बहुत फ़ायदा मिलता है। चलिए आप किल शॉट का गेम ख़त्म, अब गार्जियन शुरू हुआ है। ये मैं एमो ख़त्म कर देता हूँ इसके ऊपर और रीलोड करता हूँ। एक किल तो मिल गया। ये कौन दिख रहा है? अच्छा बॉम्बर है ये। जगरनॉट अपने शील्ड के बाहर हो गया है, इसको आसानी से मार दिया। अब एक ज़ेफायर दिख रहा है, ज़ेफायर तो मेरा पहला टारगेट होता है क्योंकि इसकी HP इतनी कम होती है। चलो अच्छा है राउंड जीत के। अजय क्रिल्स 9 मिले, अच्छा राउंड गया। तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, जो तीसरा मेक है गार्जियन विथ लॉन्ग आर्म एंड और रेल गन, उसको मैं इस्तेमाल करता हूँ। दूर से किल ले सकता है, ये एक बहुत बड़ी फायदा है। इस मैप में अगर आप कैंपिंग करोगे यहाँ पर बैठ के तो आपको एनिमी नहीं दिखने वाला है और मार भी नहीं सकता है। यहाँ से थोड़ा निकलना पड़ रहा है क्योंकि लोग आ नहीं रहे। बी वेलवेट, यहाँ पर एक ज़ेफायर, अरे घूम गया वो, किसी और का किल मिल गया। अब थोड़ा आगे बढ़ना पड़ रहा है, यहाँ पर एनिमीज आ नहीं रहे। ये लैंसर इजी किल था, अबे एरीज तो बड़े मुश्किल है। इसको नर्फ कर दिया है। ये हिल रहा है बहुत, इसको टारगेट करना मुश्किल हो रहा है। एक ज़ेफायर आ गया, ज़ेफायर टाइम वेस्ट करता है बस, पूरा तो मार नहीं सकता है, उसकी एनर्जी रहती है 18। गार्जियन को कैसे मारेगा? डोमिनेटिंग मिल गया है 5 किल्स। एक बॉम्बर लो HP मिस हो गया है। HP बहुत कम है, इसको हटा के मैं ये राउंड हारने का सोच रहा हूँ। ये मैंने 2nd राउंड में स्नाइपर से लेके रखा था क्योंकि स्नाइपर जो है बहुत कम डैमेज करता है, एक शॉट में एनिमी को मार देता है, और इसके वजह से ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि मैं गेम हार सकता हूँ। तो मैं गेम हारना चाहता था और मैं हार गया। तो अभी 14 किल्स मिल गए हैं, फिर से वापस जाता हूँ मेरा फेवरेट मेक गार्जियन विथ कार्बाइन 12।
सबसे घातक वेपन है इस पूरे में करीना में कार्बाइन 12। आपको आपने अभी तक अनलॉक नहीं किया है तो ज़रूर अनलॉक कीजिए, क्योंकि मैं पहले तो इसी को रिकमेंड करूँगा। और मेरे जो एक्सपीरियंस दोस्त हैं गेम में, वो भी यही बोलते हैं कि कार्बाइन 12 का कॉपी ले लो सबसे पहले। कार्बाइन 12 अकेले मत लो, एक कॉपी साथ में लेकर रखो। ये मेक आसानी से मर गया, स्टन हो गया था, और अरे एमो ख़त्म हो गई। 3 किल्स मिल सकते थे एक ही राउंड से, 3 किल्स मतलब मैगजीन से। ये बहुत दूर है, इसको मार नहीं सकता, रीलोड कर लेता हूँ, दाहिने तरफ बढ़ता हूँ। गार्जियन से यही करना पड़ता है, बीच में रहना पड़ता है, और एक बार दाहिने एक बार लेफ्ट में, ये दोनों तरफ घूमते रहना है और आपको किल्स मिलते रहेंगे। आपके एबिलिटी तो खास है ही, आप पूरे टीम को डिजेबल कर सकते हैं और किल ले सकते हैं। और अभी तो ये स्पीड बूस्ट आ गया है, तो गार्जियन को किल को फॉलो करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। ये थर्ड राउंड चल रहा है, काफ़ी किल्स मिल रहे हैं मुझे, अनस्टॉपेबल मिल गया 7 किल्स। तो अभी क्या करता हूँ, मुझे लगता है कि इस स्नाइपर से थोड़ा किल्स कम हो गए थे, तो इसको थोड़ा यूज़ कर लेता हूँ। चलो 2 किल्स मिल गए, 3रा किल थोड़ा मुश्किल है, एमो ख़त्म हो गई है। यही प्रॉब्लम है, रेल गन की एमो ख़त्म हो जाती है। आपको 2-3 किल्स जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद वेट करते रहो। अच्छा गेम ख़त्म, और 10 किल्स गार्जियन से, 7 किल्स दूसरे गार्जियन से, और 6 किल्स किल शॉट से। अच्छा गेम रहा। इस मैप थोड़ा मुश्किल है 400 पॉइंट स्कोर करने के लिए, लेकिन 300 आसानी से मिल जाते हैं अगर आप 3 राउंड खेल रहे हो। आप जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।